इसराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को किए गए हमले का मास्टरमाइंड हमास चीफ याहिया सिनवार मारा गया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और विदेश मंत्री की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है। सिनवार की मौत को लेकर उन्होंने जानकारी दी। नेतन्याहू ने वीडियो मैसेज के जरिए कहा कि हमने हिसाब चुकता कर दिया, लेकिन जंग अभी भी जारी ही है। दरअसल इसराइल डिफेंस फोर्सेस IDF ने 16 अक्टूबर को रूटीन ऑपरेशन में सेंट्रल गाजा की एक इमारत पर हमला किया था। इसमें हमास के 3 सदस्यों के मारे जाने की खबर आई। बाद में पता चला कि इनमें से एक याहिया सिनवार भी है। सोशल मीडिया पर इसके फोटो वायरल हुए। इसमें उसके चेहरे, दांत और घड़ी से दावा किया गया कि मारा गया शख्स याहिया सिनवार ही है। दरअसल इसराइल और हमास की जंग की वजह 7 अक्टूबर का हमला था। इसमें 1200 इजरायली नागरिक मारे गए थे। तब से दोनों के बीच जंग लगातार जारी है। बता दें कि सिनवार की मौत की जांच के लिए DNA टेस्ट तक किया गया। इससे पहले भी सिनवार को मारने के लिए इसराइल ने कई कोशिशें की थी, हालांकि इसमें कामयाबी नहीं मिल सकी थी। 23 सितंबर को भी सिनवार की मौत का दावा किया गया था। सिनवार की मौत के बाद नेतन्याहू बोले, सिनवार मारा गया पर जंग अभी भी जारी है। सिनवार की मौत के बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बयान जारी किया और कहा, इतिहास में होलोकास्ट के बाद यहूदियों पर किए गए सबसे भयावह नरसंहार को अंजाम देने वाले शख्स को मार गिराया गया। सिनवार को मारकर हिसाब चुकता कर दिया गया, लेकिन हमारी जंग अभी भी जारी है। सिनवार की मौत का पल हमारे नागरिकों को घर वापस लाने के लिहाज से बेहद अहम है। सिनवार के मारे जाने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सिनवार ही 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड था। यह इसराइल, अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए एक अच्छा दिन है। वो हजारों इसराइलियों, फिलिस्तीनियों, अमेरिकियों और 30 से भी ज्यादा देशों के नागरिकों की मौत का जिम्मेदार था। इसराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF के प्रवक्ता डैनियल ने कहा है कि सिनवार राफा के ताल अल सुल्तान इलाके में छिपा था। जब ये फुटेज ली जा रही थी तब हमें पता नहीं था कि वो सिनवार है। उसके हाथ में गोली लगी थी और वो घायल था। हमें लगा था कि वो कोई आम हमास लड़ाका है। इसके बाद IDF ने इमारत पर बमबारी की जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में शवों की जांच के दौरान पता चला कि वो सिनवार है। हगारी ने कहा है कि उसके पास से बुलेट प्रूफ जैकेट, ग्रेनेड और 40,000 इजरायली करेंसी मिली है। कई रिपोर्ट से कहते हैं कि सिनवार आखिरी समय में जिस इलाके में रह रहा था वो इजरायली हमले से लंबे समय से अछूता रहा। 28 अगस्त को यहां पहली बार IDF ने हमला किया था। इससे पहले हमास का पूर्व चीफ इस्माइल हानिये 31 जुलाई को ईरान में मारा गया था। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने उसकी मौत की पुष्टि की थी। IRGC ने बताया था कि तेहरान में हानिये के ठिकाने पर रात 2 बजे करीब मिसाइल से हमला किया गया था। इसमें हानिये और उसके एक बॉडीगार्ड की मौत हो गई थी। इसराइल पर पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए हमले के 3 अहम किरदार थे। वो 3 कौन थे इसे आप समझिए। इनमें पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिये, मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ के अलावा गाजा में हमास का लीडर याहिया सिनवार शामिल था। 31 जुलाई को ईरान में हानिये की मौत के बाद सिनवार ही संगठन का नया चीफ बना था। तो वहीं हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ की 13 जुलाई को ही एक हवाई हमले में मौत हो गई थी, जिसकी पुष्टि 1 अगस्त को हुई थी। ऐसे में हमास की टॉप लीडरशिप में सिर्फ सिनवार ही बचा था। लिहाजा इसराइल का पूरा ध्यान इस वक्त सिनवार को ढूंढकर उसे मारने पर ही था। ये भी जान लीजिए कि सिनवार कौन था, कहां जन्म लिया उसने, कैसे वो हमास चीफ बना। सिनवार का पूरा नाम याहिया इब्राहिम हसन सिनवार था। उसका जन्म गाजा पट्टी के दक्षिणी इलाके में स्थित खान यूनिस के शरणार्थी कैंप में हुआ था। याहिया के माँ बाप अश्केलोन के थे। 1948 में इसराइल की स्थापना हुई और हजारों फिलिस्तीनियों को उनके पुश्तैनी घरों से निकाला गया, तो याहिया के माता पिता भी शरणार्थी बन गए थे। 2 इजरायली सैनिकों और 4 फिलिस्तीनियों का अपहरण और उनकी हत्या करने के आरोप में सिनवार को 1989 में गिरफ्तार किया गया था।
याहिया की उम्र 19 साल थी, मुकदमा चला, उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि 2011 में इजरायली सैनिक गिलाद शालिट के बदले में 1000 से भी ज्यादा कैदियों की अदला बदली के दौरान सिनवार को भी रिहा कर दिया गया था। तब तक सिनवार करीब 22 साल जेल में बिता चुका था। सिनवार को निर्मम हत्याएं करने के लिए जाना जाता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिनवार ने इसराइल के लिए जासूसी करने के शक में एक शख्स को उसके भाई के हाथों ही जिंदा दफन करवा दिया था। अब इसमें हैरानी की बात है, ये भी सुनिए, हैरानी की बात तो ये है कि दफन करने का काम किसी फावड़े से नहीं बल्कि चम्मच से किया गया था। ऐसी क्रूरता की वजह से ही सिनवार को खान यूनिस का कसाई भी कहा जाता था। सिनवार के करीबी भी उससे खौफ खाते थे। कहा जाता है कि अगर आप सिनवार की बात को टाल रही हैं तो अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रही हैं, इतना खतरनाक। सिनवार ने 2015 में हमास कमांडर महमूद इश्तवी को टॉर्चर कर जान ले ली थी। इश्तवी पर सैमलिंगता और पैसों की हेराफेरी का आरोप था। सिनवार लोगों को कंट्रोल करने में बहुत माहिर था, हालांकि उसे बहुत अच्छा वक्ता भी नहीं माना जाता था। 2014 में उसे मृत घोषित कर दिया गया था। कुछ समय बाद ये एक अफवाह साबित हुई। 2015 में याहिया को अमेरिका ने आतंकी घोषित किया था। सिनवार को ईरान का करीबी माना जाता था। हालांकि एक के बाद एक हमास जितने भी चीफ बने हैं उनका खात्मा ही होता गया है, और इसी लाइन में अब याहिया सिनवार का नाम भी जुड़ गया है। फिलहाल ये देखना होगा कि सिनवार की मौत के बाद अब इसराइल के पीछे कितने देश पड़ते हैं, किस तरीके से एक्शन लिया जाता है, इसराइल कैसे और आगे अपनी जंग जारी रखता है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि भले ही हमने हिसाब चुकता किया लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई है, अब भी जारी है।